नमस्कार, स्वागत है आपका DTW 24 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ खड़ा था। बॉलीवुड से इस वक्त की एक बेहद शॉकिंग खबर आ रही है, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के द्वारा दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को स्टेज 3 लंग कैंसर है, जिसके इलाज के लिए वो अमेरिका जा रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि संजय दत्त के परिवार के द्वारा नहीं किया गया है और न ही कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर खूब तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद संजय दत्त के फॉलोअर्स और उनके शुभचिंतक उनके जल्द ही ठीक होने की कामना कर रहे हैं। इस खबर की शुरुआत ट्विटर पर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के ट्वीट से हुई, जिन्होंने लिखा है कि संजय दत्त को लंग कैंसर निकला है, आइए उनके सेहतमंद होने की प्रार्थना करें। इसके बाद कई वेबसाइट ने इस खबर को पब्लिश किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि संजय ने मंगलवार की शाम को काम से शॉर्ट ब्रेक लेने का ऐलान किया था। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने फैंस से किसी भी तरह की चिंता या कयासबाजी ना करने की भी गुजारिश की थी। बता दें कि पिछले वीकेंड पर संजय दत्त सांस की तकलीफ के वजह से लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने 8 अगस्त को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी कि वो COVID-19 नेगेटिव है, 1-2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। संजय दत्त सोमवार को ही डिस्चार्ज हुए थे। उधर ट्विटर पर संजय दत्त को जल्द ठीक होने की दुआएं दी जा रही है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए DTW 24 न्यूज़ के साथ। अगर आप हमारे इस न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।